हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान आनंदपुर से श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ तक रोपवे के निर्माण से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, आनंदपुर साहब हमारे सिखों के आस्था का केंद्र है और नैना देवी हमारा आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से और पंजाब के साथ दूसरे एडजॉइनिंग स्टेट से जो है वो श्रद्धालु नैना देवी आते हैं। आने जाने की व्यवस्था सरल हो, सहज हो और जल्दी हो जाए, अच्छी सुविधा हो और ये पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र डेवलप हो सकता है, उस दृष्टि से इसकी शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़े थे। लेकिन शायद मेरे को लगता है जो माननीय सदस्य इस बात को जो जिक्र कर रहे हैं, इनके मन में एक भाव था कि ये आनंदपुर साहब से शुरू हो करके ये बिलासपुर के ही अंतर्गत जो टोबा जो है जो हिमाचल के अंतर्गत पड़ता है वहां से शुरू किया जाए और इस बात को लेकर के माननीय सदस्य जी ने बड़ा जोर से आग्रह किया पूर्व सरकार में, जो इनकी सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष में और अंततः गत्व ये जो है इसको अगस्त 2013 में कांग्रेस की सरकार ने इस MOU को रद्द कर दिया, ये रद्द कर दिया गया, ये हुआ उस वक्त का एक। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार 2017 दिसंबर में 27 दिसंबर 2017 को बनी, उसके बाद फिर इस बात के लिए आग्रह आया और हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें इस बात को लेकर के हमने कहा भी है कि ये हम करेंगे और उसमें हमने आगे बढ़ करके काम किया और आगे बढ़ करके काम करने की बात आई, हमने इच्छा जाहिर की, हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा, मैंने उनको कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये दोबारा ये होना चाहिए, उनने सहमति, उनने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया मुझे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरी भी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ और इसको जल्दी हम बैठ करके कर लेते हैं, आप इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी करनी है हम इसका MOU नए फ्रेश तरीके से जो इसको बनाएंगे और उसके बाद इसको शुरू करेंगे। तो उसके बाद जो है इसकी शुरुआत की दिशा में हम आगे बढ़े। MOU जो किया गया 28/9/2018 को MOU किया गया और मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर गया था, चंडीगढ़ गया था और MOU की जो एक रस्म होती है, प्रोसेस होता है, उसको पूरा किया। ये बात सत्य है कि बार बार टेंडर करने के बावजूद उसमें कोई कंपनी अभी तक जो है वो कोई इसमें कोई आगे बढ़ करके बिड के लिए आगे नहीं आई है और ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारी इच्छा है कि हमने जब MOU किया इसको पूरा करना चाहिए। अब इसमें जो टेक्निकल एडवाइज़र जो है उनको हमने सोचा है कि उनको अब चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद जो चीज़ें व्यावहारिक रूप से वहाँ पर की जा सकती है जिसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई कंपनी जो है इसकी बिडिंग में आगे आ सके और बिडिंग में हिस्सा ले करके इस प्रोजेक्ट को हम शुरू कर सके, ये हमारी एक इच्छा है और मुझे पूरा भरोसा है। अभी जो मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने खास तौर से एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की है जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का भी एक सुझाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहा है और हमने इसी बात को लेकर के जो वैसे इलाके जहां पर सड़क पहुंचाने में कठिनाई है और वहां पर बहुत सारा फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से और उसके साथ साथ में वहां पर सड़क पर बनाने के लिए खर्च भी ज़्यादा होता है, उस दृष्टि से केंद्र सरकार ने अभी जो हाल ही में बजट प्रस्तुत किया है उसमें पर्वतमाला करके एक नई योजना की शुरुआत की है और मैं समझता हूं कि उसके अंतर्गत भी इसको कंसीडर किया जा सकता है और इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आपने चिंता जाहिर की है कि इतने लंबा समय निकल गया और लंबे समय के बावजूद भी अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ, ये सचमुच में हमारे मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लग रहा कि ये काम होना चाहिए था, इसमें विलम्ब हुआ है और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे इसको अलग से मॉनिटर करेंगे ताकि व्यवहारिक रूप से जो टेक्निकल एडवाइज़र को चेंज करने की जो बात मैं कह रहा हूँ इसकी जो है वो टेंडर की जो बीट की जो सारी कंडीशन जिस तरह से हो जिसमें कंपनी आ सके, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ सके और उसमें काम कर सके, ये मैं कहना चाहता हूँ ताकि श्री नैना देव जी का जो हमारा पवित्र स्थान है उसमें लोगों की आवाजाही सरल और सहज हो सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा सदन में यूक्रेन में फंसे प्रदेशवासियों की सकुशल वापसी के बारे में वक्तव्य दिया। अध्यक्ष महोदय
यूक्रेन में युद्ध की स्थिति से उत्पन्न संकट में वहां फंसे कुछ प्रदेशवासियों की सकुशल वापसी के बारे में मैं नियमित रूप से सदन को अवगत करवाता रहा हूं। मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश के सभी छात्र व अन्य व्यक्ति यूक्रेन से सुरक्षित व सकुशल निकल आए हैं। अब कोई भी हिमाचल वासी यूक्रेन में नहीं है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुकुशल वापसी के लिए पूर्ण संवेदनशीलता से केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास किया। यूक्रेन की एयर स्पेस बंद होने के कारण पड़ोसी देशों में 4 केंद्रीय मंत्री को विशेष रूप से तैनात किया। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सीमावर्ती देशों से विशेष उड़ान के माध्यम से ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया गया तथा प्रत्येक नागरिक भारतीय नागरिक की कुशल वापसी सुनिश्चित की गई। मैं इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली अथवा मुंबई पहुंचने पर प्रदेशवासियों को वापस उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई। यूक्रेन की स्थिति एक वैश्विक संकट है। यह संकट काल शीघ्र समाप्त हो ऐसी कामना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार की ओर से जो प्रयत्न, जो हमारे हिमाचल के लोग, हिमाचल के बच्चे वहां फंसे होते उनके संदर्भ में मैंने कही, मुझे इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों से और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से हम हरेक हिमाचल वासी को सुरक्षित वापिस अपने घर तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बी ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हम छोटे होकर के भी अपने देश में एक नहीं अनेक क्षेत्रों में बड़े राज्यों का भी मार्गदर्शन करते हैं और उसमें शिक्षा का क्षेत्र एक क्षेत्र है जहां हम बहुत बेहतर हैं बाकी राज्यों की तुलना में। मैं कह सकता हूं उस बात को दावे के साथ। पहले किसी वक्त जिक्र होता था लिटरेसी रेट का केरल आगे है, आज लिटरेसी रेट का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसका ही जिक्र करें तो हिमाचल केरल से पीछे नहीं है। आज हो सकता है हम केरल से भी आगे हैं, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में एक्सपेंशन हुआ है और एक्सपेंशन के साथ साथ मैं इस बात को भी मैं देखता हूं कि दूर दराज के इलाके में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारा इस बार का जो बजट है एजुकेशन के टोटल जो बजट हमारा है उसका जो है उसमें से 16-16% हम एजुकेशन पर हम खर्च कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जो मैं समझता हूं कि बहुत सारे राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज इस कॉम्पिटिशन के जमाने में हमको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करने के सिवाय और कोई रास्ता। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यहाँ एनर्जी मेले का भी आज जो है जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा था, और हिमाचल छोटा सा प्रदेश जहाँ अगर हम एनर्जी का अगर हम जिक्र करते हैं तो मैं इस बात की भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, पूरे देश भर में हाइड्रल सेक्टर में अगर हमारी जनरेशन पूरे देश की 45,000 मेगावाट है तो हिमाचल उसमें 11,000 मेगावाट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जिसको मैं कह सकता हूं हाइड्रो सेक्टर में जनरेशन अगर है तो हिमाचल प्रदेश का है ग्रीन एनर्जी के। और आने वाले समय में हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी के नाते, ग्रीन स्टेट के नाते हम हिमाचल प्रदेश को स्थापित करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने एनर्जी क्लब बनाया है उसमें आप लोगों ने बेहतरीन काम किया है और अवेयरनेस की दृष्टि से जिस प्रकार से यहाँ पर भी काम किया, उसके साथ साथ जो मुझे जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के आप लोगों ने कि हमको एनर्जी को, हमको जो बिजली का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, किफायत कैसे करनी है, इन सारी बातों को लेकर के भी आप लोगों ने जानकारी दी। और स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में अगर एनर्जी के इस पे हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश बहुत तेजी से ऊर्जा राज्य के रूप में जहां पूरे देश में जाना जाता है उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां हमारा हाइड्रो सेक्टर का जो जनरेशन आने वाले समय में लगभग 23,000 मेगावाट के करीब पहुंचने वाला है।
पहुंचेगा, जो लक्ष्य हमारा सामने रखा हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 60 यूनिट बिजली की खपत पर जीरो बिलिंग की जाएगी और 61 से 125 यूनिट की खपत पर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट एक रुपए की रियायती दर पर सस्ती बिजली प्रदान की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने बालिकाओं से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और आज प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने महाविद्यालय के विज्ञान खंड के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए प्रदान करने, शीघ्र तैयार होने वाले नए खंड में बहुउद्देशीय हॉल के लिए 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देने तथा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं को अपनी ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिले के भाजपा मंडल रामपुर के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास से उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हिमको फेड के अध्यक्ष श्री कॉल नेगी के नेतृत्व में इस प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान सुनिश्चित किया है कि रामपुर क्षेत्र विकास में एक आदर्श के रूप में उभरे। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि रामपुर क्षेत्र के सभी विकासात्मक कार्य समयबद्ध पूर्ण हो ताकि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 राज्यों के लोगों ने एक बार फिर केंद्र और राज्य के भाजपा नेतृत्व में पूर्ण विश्वास जताया है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मामलों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन कर्मचारियों की उचित मांगों के समाधान के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में लगभग 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। राज्य सरकार इन कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंतित है और सरकार ने गत दिसंबर माह में सभी विभागों के साथ एक आदर्श निविदा साझा करते हुए प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को पे स्लिप देना अनिवार्य किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। पीटीए और एसएमसी अध्यापकों के कल्याण के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 10,500 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स वर्कर्स के वेतन में 4200 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हो जाएगी। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की और प्रवक्ता स्कूल कैडर और प्रवक्ता स्कूल न्यू का पदनाम प्रवक्ता स्कूल करने की घोषणा पर उनका आभार व्यक्त किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।